तो बड़ी खबर के बाद आपको अक्षम में अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जेल से बेल मिलने के बाद एक हत्यारोपी ने स्टंटबाजी का खौफनाक खेल खेल दिया। जान को जोखिम में डालने वाली इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जेल से मिली बेल, स्टंटबाजी का खेल। मर्डर का आरोपी, स्टंट का आतंक। जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, आखिर में सबसे हंसी धोखा जिंदगी ही है। इस तरह के स्टंट की सनक को ही जिंदगी के साथ सबसे बड़ा धोखा कहा जाएगा, क्योंकि ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ना ही जान को जोखिम में डालने वाला ये करता कोई ट्रेनिंग लिया हुआ स्टंट मैन दिखा रहा है, बल्कि तस्वीरों में नजर आने वाला ये सनकी वो हत्यारोपी है जो जेल से बेल पर बाहर आया और नोएडा की सड़कों को अपनी टशनबाजी से ये नौसखिया स्टंटबाज इसी तरह तहला रहा है। देखिए, ये तेज रफ्तार बाइक का पिछला पहिया हवा में उठा देता है और ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे इसने कोई बहुत बड़ा और अच्छा काम किया। अब इसकी अक्षम्य कारनामे की तस्दीक करने वाला एक और मंजर देखिए। ये चलती बाइक पर दोनों हाथ छोड़कर खड़ा हो जाता है, एक हैंडल पर सिर्फ अपना एक पैर ही रखता है। इसकी इस सनक भरी करतूत में ये लड़की भी शामिल है। जो दौड़ती सड़क पर ठीक इसी तरह की हीरोपंती दिखा रही है, ये दोनों सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सड़क से गुजरते आम लोगों की जान को मुश्किल में डाल रहे हैं। अब आपको इस स्टंटबाज के बारे में बताते हैं। स्टंट करने वाले शख्स का नाम निजामुल खान है, जिस पर अपनी ही प्रेमिका के भाई की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन फिलहाल वो बेल पर जेल से बाहर आया और रोजाना इसी तरह स्टंट करता दिखाई दिया। पर इसकी यही हीरोपंती इसे महंगी पड़ गई है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और ये अपने किए पर शर्मिंदगी जताते हुए हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। सर, मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं कोई स्टंट की वीडियो नहीं बनाऊंगा। बेशक ये जताने की कोशिश कर रहा है कि कानून का हंटर चलने के बाद इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है, लेकिन बेल पर स्टंटबाजी से इसने अपनी और दूसरों की जिंदगी से जो खिलवाड़ करने की कोशिश की वो अक्षम्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।